नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नारायणगंज, भारतीय जनता पार्टी मंडल नारायणगंज द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का किया गया सम्मान। मंडल महामंत्री राकेश प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि आज आंगनवाड़ी केंद्र नारायणगंज के समस्त कार्यकर्ता व सहायिकाओं का सम्मान जिला उपाध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी द्वारा किया गया। सभी को धन्यवाद पत्र एवं पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष राजेश सोनी, मंडल अध्यक्ष मनोज मिश्रा, युवा मोर्चा अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, मंडल महामंत्री दीपक पदम, महामंत्री सुशांत अग्रवाल, महामंत्री सुंदर सोनी, नंदकिशोर साहू, गया प्रसाद चक्रवर्ती एवं मीडिया प्रभारी दैनिक समय जगत बैनीलाल सिंगरौरी उपस्थित रहे। जी, मैं राकेश प्रकाश चंद्र अग्रवाल, मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मंडल नारायणगंज चार बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। सबसे प्रथम कार्य हम लोगों ने सूखा राशन वितरण का काम किया है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने सब्जी वितरण का काम किया है। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने गाँव में जागरूकता, मास्क पहनने के लिए, दूरियाँ रखने के लिए, बार बार हाथ धोने के लिए, इस पर कार्य किया है। चौथा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना बीमारी में जितने भी सरकारी तंग लगा हुआ है, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक योद्धा की भांति कार्य कर रहे हैं, चाहे फिर वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों, पुलिस विभाग के अधिकारी हों, तहसील विभाग के हों, और चाहे हमारी सबसे नीचे टीम जाकर काम करने वाली आंगनवाड़ी टीम हो, इनका सम्मान करने का काम किया है। इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, आज हमारे बीच में सरपंच महोदय हैं, हमने इनका स्वागत किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की समस्त दीदियों का हमने स्वागत किया है। असल में इन्होंने ही अपनी जान की परवाह ना करते हुए, परिवार की चिंता ना करते हुए, धूप की चिंता ना करते हुए, घर घर जाकर इस कोरोना महामारी के विरुद्ध जो जागरूकता फैलाने का काम किया, सेवा कार्य किया, ये हम लोगों के लिए नतमस्तक हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करती है, और इसी तारतम्य में हमने एक धन्यवाद पत्र और पुष्प वर्षा के साथ हमने उनका स्वागत किया है, और हम उनसे ऐसी ही आशा करते हैं कि वह अपने कार्यों को इसी तरह करते रहेंगे। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए नारायणगंज से संवाददाता बैनीलाल सिंगरौरी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।